भागलपुर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही यह चार दिवसीय महापर्व संपन्न हो जाएगा। गुरुवार को छठ पूजा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ देकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। शहर से लेकर गांव तक गंगा नदी, पोखर, तालाब और घरों में बनाए गए कृत्रिम जलाशयों पर व्रतधारियों ने पूजा अर्चना की। इस महापर्व की शुद्धता और आस्था का प्रतीक यह पर्व आम और खास सभी को एकत्रित करता है, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और समर्पण का वातावरण बना हुआ है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के मौके पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मालदा डिवीजन के सीनियर डीसीएम सदैव भट्टाचार्य ने स्टेशन का निरीक्षण किया और यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यात्रियों के आराम के लिए विशेष रूप से एक पंडाल तैयार किया गया है, जहाँ वे ठहर सकते हैं। छठ पर्व के कारण स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई, जिसे संभालने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके। भागलपुर आए हैं निरीक्षण करने के लिए जी, इसमें क्या क्या खामियां देखी गई हैं ये छठ पूजा को लेकर के? अभी होल्डिंग एरिया बना है जी, स्पेशल ट्रेन हुआ है, स्टाफ को भी ट्रेन कर देना है। यात्रियों के लिए कैसी सुरक्षा व्यवस्था दी गई है? क्या हुआ? यात्रियों के लिए कैसी सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है? सुरक्षा एवं सुविधा दिया गया है, देखिए इतना आरपीएफ है जी। छठ पर्व को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? छठ पर्व के बाद यात्री लोग आराम से लौट सके, उसके व्यवस्था किया जा रहा है। ट्रेन टाइमिंग ट्रेन दिया है, सुबह में ट्रेन दिया है, उनको आप लोग प्रचार जी। सुबह में एक अनरिजर्व स्पेशल दिया गया है, जिसमें सारे लोग पहले से चल जाएंगे। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र के खिरीबांध के मुखेरिया गांव स्थित पोखर में छठ पूजा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे हर साल इसी स्थान पर हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व मनाते हैं। इस दौरान बाईपास थाना के थानाध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा ने मुखेरिया पोखर घाट का निरीक्षण किया। श्रीपुर, कोहली और खुटाहा समेत आसपास के गाँव से भी लोग यहाँ छठ पूजा के लिए आते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहता है। यहाँ खूब बढ़िया व्यवस्था है, सब चीज और बढ़िया है, घाट भी बढ़िया बन रहा है, यहाँ सूप भी बढ़िया से हो, अराग भी बढ़िया से पड़ी रहा है, यहाँ सब चीज और कोई और दिक्कत नहीं है, सब चीज बढ़िया हो रहा है। व्यवस्था ठीक है, तालाब में पहले तो पानी नहीं रहता था, लेकिन इस बार से पानी है तालाब में, और जहाँ पे ज्यादा गहरा है उसके चारों तरफ जो है तारवार से मतलब डोरी से कर दिया गया है उसको, ताकि लोग गड्ढे में ज्यादा न जाए। पुलिस प्रशासन वैसा यहाँ भगदड़ कुछ होता ही नहीं है, सब गांव समाज के, ये तो भक्ति की है, इसमें तो कुछ पुलिस प्रशासन की कोई है नहीं। बाकी हमारे गांव समाज के लोग लगे रहते हैं, यदि कोई पानी में ज्यादा चले जाते हैं तो उसके लिए हमारे नवयुवक लगे हुए हैं। सुल्तानगंज के बड़ी दुर्गा स्थान पर श्री श्री 108 छठ पूजा समिति द्वारा भगवान सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां समाज सेवी रामचंद्र चौधरी ने फीता काटकर छठ मेले का उद्घाटन किया। विधिवत पूजा पाठ के बाद इस आयोजन में शामिल हुए छठ पूजा समिति के सदस्यों ने रामचंद्र चौधरी का फूल माला से भव्य स्वागत किया। मौके पर समिति के कई सदस्य उपस्थित थे। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले अर्घ के अवसर पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए छठ व्रतधारी महिलाओं और भक्तों की भारी भीड़ गंगा घाट पर उमड़ पड़ी। दरअसल यह महापर्व विशेष रूप से बिहार और झारखंड में बड़े श्रद्धा और नियमों के साथ मनाया जाता है। व्रतधारी महिलाएं अपने घरों में विशेष पकवान बनाकर और फल प्रसाद लेकर गंगा स्नान करती है, और फिर सूप में सभी सामग्री रखकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित करती है। इसके अगले ही दिन उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही यह चार दिवसीय महापर्व सम्पन्न होता है। अजगैबीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर इस अवसर पर लाखों
श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखी गई। स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने गंगा घाट पहुंचकर विधि व्यवस्था का जायजा लिया और सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं नगर परिषद सुल्तानगंज ने गंगा घाट पर साफ सफाई, बैनर पोस्टर, स्वच्छता अभियान, बैरिकेडिंग, नाव और माइकिंग की व्यवस्था की थी। थानाध्यक्ष प्रिय रंजन ने घाट और चौक चौराहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सीओ और बीडीओ ने एसडीआरएफ टीम के साथ गंगा घाट का निरीक्षण किया। इस अवसर पर छठ व्रतधारी महिलाएं और अन्य भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिससे माहौल उत्साह और भक्ति से भर उठा। छठ पूजा को लेकर तो बहुत बड़ी उत्साह है। ये हम लोगों का बहुत महापर्व है और नगर परिषद के द्वारा जो व्यवस्था यहाँ की गई है बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और हम तमाम लोग बहुत अच्छे से पर्व मना रहे हैं। छोटे बड़े सभी मिल के पर्व मना रहे हैं, सौहार्दपूर्ण पर्व मना रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारे भी थाना के स्टाफ भी बैठे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी, देखिए इस पर्व में सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सभी लोग सौहार्दपूर्ण रूप से पर्व को मनाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं। इसमें किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं, मैंने सुरक्षा की कोई ज़रूरत है ही नहीं। कहाँ कहाँ के लोग पहुँचते हैं? सभी जगह से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ छठ पर्व मनाने के लिए। गंगा नदी के किनारे बहुत दूर दूर से परिवार के लोग जहाँ भी रहते हैं सभी छठ पर्व अपने घर आते हैं और इस महापर्व को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। नवगछिया जिले में पुलिस ने छठ महापर्व के दौरान विभिन्न घाटों पर व्रतधारियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की है। नवगछिया पुलिस कप्तान पूरन झा ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि वे बैरिकेडिंग के अंदर सुरक्षित तरीके से अर्घ दे और खतरनाक घाटों से दूर रहे। इसके अलावा नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज प्रसाद सिंह और SDPO ओम प्रकाश ने भी लोगों से शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से इस आस्था के महापर्व को मनाने की अपील की है। उन्होंने सभी नवगछिया वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है। भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन श्रद्धालु और व्रतधारी अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर सूप पर चढ़ने वाले पारंपरिक पकवान जैसे ठेकुआ और कसारा को बनाने में श्रद्धालु पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ जुटे हुए हैं। भागलपुर के खंजरपुर मिश्रा टोली की संध्या मिश्रा, जो देश के विभिन्न राज्यों से आए 69 परिवारों के 140 सूप की पूजा कर रही है, उनके घर पर उत्सव जैसा माहौल है। वहाँ सुबह से ही प्रसाद तैयार किया जा रहा है, जहाँ श्रद्धालु पूरी भक्ति और नियमों का पालन करते हुए पकवान बना रहे हैं। माने दीपावली तो ये हो जाता है, उसके बाद छठी पर नजर रहता है कि साफ सफाई करना है या करना है। एक महीना पहले से सब जगह धोना है, पोछना है, इधर जगह बनाना है या करना है, हो जाता है। जो सूप में पड़ता है हम लोग को अब भाग्यशाली है जो मैया का सेवा करने का मौका मिलता है। ये सेवा सबको नहीं मिलता है करने का मौका, तो ये हम लोग भाग्यशाली है जो वो भी संध्या मिश्रा के यहाँ जो इतने सूप करती है, तो हम लोग का भाग्य है जो यहाँ आते हैं और सेवा देने का मौका मिलता है। हम लोगों को बहुत भरोसा है, तभी तो आज छठी मैया के सामने हैं। बस उनसे यही कृपा है, सबको स्वस्थ रखे, उनके सेवा में हम लोग लगे रहे, हर साल सालों साल लगते रहे, पूरा परिवार समाज सब स्वस्थ रहेगा तभी तो स्वस्थ होगा सब।